आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोगों ने ट्वीट किया है, चाहे वो एमपी हो, मंत्री लोग हों, देश भर में खुशी भी है लोगों में कि जो पहले जो एक परसेप्शन था उसको, परसेप्शन को आपने तोड़ा है। कुछ लोगों का सवाल है कि आपने पूरे इंटरव्यू में कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, जिन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल दिया, या वो कहते थे कि हम किसी देश की तरक्की इस बात से नापते हैं कि वहां महिलाओं को कितनी आजादी है, तो इसको लेके या इस तरह के सवाल ही नहीं है आपके सामने? जी, वही बात है कि मुझसे इस तरह के कोई सवाल सामने नहीं आए। मैं खुद एक बहुत बड़ी अंबेडकर फॉलोअर हूँ और बाबा साहेब की बातों ने हमेशा ही लाइफ में इंस्पायर किया है। सबसे पहली बात यही सबसे बड़ी इंस्पायरिंग बात रही कि उन्होंने खुद कितनी कठिनाइयों वाले सर्कमस्टेंसेस में अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो कहाँ कहाँ नहीं पढ़े और कैसे कैसे उन्होंने अपनी ही जर्नी कंप्लीट नहीं की। यही इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है जो एक 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 हिम्मत देता है कि नहीं, जुटे रहें हम अपनी खुद की जो भी हम कर रहे हैं लाइफ में। यही इतना बड़ा इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। और उन्होंने वही थे जो उस टाइम जितने भी वीकर सेक्शन से विमेन माइनॉरिटीज वही एक थे जिन्होंने आवाज उठाई और महिला और एजुकेशन तो उनके दिल के बहुत पास था। तो ये तो बात बिल्कुल है। मैं कहूंगी मुझसे ऐसे कोई इतने इनडायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए कि इस बारे में बात की गई और आप ही ने बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन अभी पूछा है। तो मैं कहूंगी कि नहीं, अंबेडकर के तो विचारों ने मुझे लाइफ लॉन्ग इतना प्रभावित किया है और उन्हें तो किसी भी वक्त भूला जा ही नहीं सकता। तो आपको भी लगता है कि अंबेडकर ने जो भी काम किया वो सिर्फ एक, मुझे लगता है ऐसा है कि अंबेडकर का जो काम था वो हर उस शख्स के लिए था जो हाशिए पर है, चाहे वो महिलाएं हो, वो महिलाएं अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, वो सब हाशिए पर थी उस समय जो हमारी सामाजिक संरचना थी। तो उन अंबेडकर के काम को, महिलाओं के प्रति जो काम था उनका, उसको लेके आप कैसे आगे, जब आप चुकी अब आप उस जगह पे जा रही हैं जहां आप समाज को दिशा देंगी, तो उनके काम को कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगी? जी, जैसे आपने कहा कि महिला और शिक्षा उनकी दो फोकस एरियाज थे, तो मैं भी इसी में आगे काम करना चाहूंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, पूरे परिवार को